अजीज तलबा, आज हम पढ़ेंगे सूरह अनफाल का रुकू नंबर 4, 5 और 6। गुज़िश्ता दिन हमने सूरह अनफाल का तारुफ और पहला, दूसरा, तीसरा रुकू पढ़ा। तो सबसे पहले इन तीनों रुकू के जो मुश्किल अल्फाज हैं, जो मशकी अल्फाज के अलावा हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अक्सर साइड में लिखे हुए हैं, ये उनके अलावा है ताकि आपको तर्जमा करने में आसानी हो। पहले उनको पढ़ देता हूँ, फिर तर्जमे की तरफ आते हैं। फुरकान, अमरे फारिक, कई बच्चे इसको उम्र फारूक पढ़ते हैं, तो इस तरह ये माना भी गलत है और लफ्ज भी गलत है। अमर का माना नाम और फारिक का माना फर्क करने वाला, तो ये असल में गज़वाए बदर को कहा गया है अमरे फारिक। तो यम चाल चलना, आगे तर्जमे में जाके यही लफ्ज जब अल्लाह की जात की तरफ मनसूब होगा तो उसका माना बदल जाएगा। तो यहाँ इसका यम अकेला लफ्ज उसका माना है चाल चलना। यसुद्दून का माना वो रोकते हैं, सलातुहुम का माना उनकी नमाज, असरतन का माना अफसोस, और खबीस का माना है नापाक। यमकुरु उसका ढेर बना देना, कद सलफा तरीक गुजर चुका, मुराद यह है कि जो काम जैसा काम पहले हो चुका हो तो उस जैसा मिसाल देना कि पहले ये काम हो चुका है, उसके लिए जैसे असलाफ का इस्तेमाल होता है, असलाफ वो लोग जो गुजर चुके हैं। लोगों को दिखाने के लिए, अरा का माना मैं देखता। अब हम आते हैं चौथे रुकू की तरफ। तो इसमें जो पहली आयत है उसमें ये बताया गया है, कुल कह दीजिए, लदीना उन लोगों से काफर जिन्होंने कुफर किया, अगर यंता हो तुम बाद आ जाओ, युग फर न हो तो बख्श दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा, माफ कर सलफा जो गुजर चुका है। ये किताब किन को किया जा रहा है? ये कुफार को कहा जा रहा है, और किससे कहलवाया जा रहा है? ये पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किताब करवाया जा रहा है कि आप काफिरों को ये पैगाम दे दें, ऐ पैगंबर कुफार से कह दो कि अगर वो अपने अफाल से बाद आ जाए तो योगफर लहू माकत सलफा, जो गुजर चुका है, जो तुमने गुनाह कर दिए हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। वहीं यहू अगर फिर वही हरकते करने लगो, कुफर पर डटे रहो और बुराइयां करो, बेहयाइयां करो, फाकद मदद सुन्नतुल अवली, तो जो तरीक पहले गुजर चुका है वही कहे हक में बढ़ता जाएगा। मुराद क्या है? मुराद यह है कि जैसे आप कुरान मजीद पे पढ़ते हैं, फिरौन, नमरूद और उन लोगों ने जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की, तो अल्लाह ने उनको अपने अजाब का, अपने गजब का जो शिकार किया, तो ये आप पढ़ते रहते हैं तो काफिरों को वही बात बताई जा रही है। वकातिलहुम, और इनको मारो, इनसे लड़ो, यहां कातिल का माना लड़ाई के माने में है, और इनसे लड़ते रहो, हत्ता ला तकुन फितना, यहां तक के फितना जो है वो खत्म हो जाए। तो ब्रैकेट में किताब में लिखा हुआ है फितना से मुराद यानी कुफर का फसाद। ये कुफर असल में है ही खराबी, कुफर ये बुराई पैदा करता है, फसाद पैदा करता है, लड़वाता है, लड़वाने के लिए साजिशें करता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, वयकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और सारे का सारा दीन अल्लाह का हो जाए तब तक लड़ते रहो। फाइन, और अगर इनका हो कि बात आ जाए, फइन अल्लाह बिमा यअमलून बसीर, तो जो दो काम तुम करते हो अल्लाह उनको देख रहा है। वाइन कवल लोग, और अगर ये बात आ जाए, फालम जान रखो, और अगर रूगरदानी करोगे, तवल्लो का माना रूगरदानी करना, रूगरदानी से मुराद अपने चेहरे को फेरना, अपने आमाल से पीछे हट जाना, तो फिर क्या होगा? फालम जान रखो अल्लाह मौला को कि खुदा तुम्हारा हमैती है, नेमल मौला व नेमल नसीब, और वो कितना ही बेहतरीन हमैती और कितना बेहतरीन मददगार है। वालम जान रखो, आगे माले गनीमत की तकसीम के बारे में आया कि माले गनीमत को तकसीम कैसे करना है, क्योंकि ये इस्लाम में पहला जिहाद था गज़वाए बदर का, उसमें पहली दफा मुसलमानों को माले गनीमत मिला, उसकी तकसीम कैसे करनी। वालम जान रखो अन्नमा गनीमतुम, जो तुम माले गनीमत में से लाओ, मिन शयइन कुछ भी, फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु, और उसका पांचवा हिस्सा जो होगा अल्लाह के लिए होगा, वाले रसूल और रसूल के लिए। यहां ये बात बताई गई कि अल्लाह का नाम सिर्फ बरकत के लिए लिया गया है, वरना अल्लाह की जात को माली नियमत की जरूरत नहीं है।
और ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की वाजिल कुर्बा और करीब रिश्तेदारों के लिए बल यताम और यतीमों के लिए बल मसाकीन और मिस्कीनों के लिए वाबनी सबील और मुसाफिरों के लिए है। इन कुंतुम आमनतु बिल्लाह अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो वमा अनजलना अला अब्दिना और जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की यौमुल फुरकान फर्क करने वाले दिन। यौमुल फुरकान से मुराद यहां कौन सा दिन है? ग़ज़वा बदर वाला दिन। उसको यौमे फुरकान क्यों कहा गया? क्योंकि उस दिन हक और बातिल में फर्क हुआ, सच्चे और झूठे में फर्क हुआ, अल्लाह को मानने और ना मानने वालों में फर्क हुआ, इसलिए उसको यौमुल फुरकान कहते हैं। यौम अरबी मान का लफ्ज़ है जिसका माना है दिन और फुरकान का माना है फर्क करने वाला। यौमुल तकल जमान जिस दिन दोनों फौजों में मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ का यहां उर्दू तर्जुमा यह है कि दोनों फौजें आमने सामने हुई। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर और अल्लाह हर चीज पर काबिल है। अब आगे वो मंजर बयान किया कि जिस तनाजु के अंदर ये जंग हुई, कैसे हुई और मुसलमान कहां थे काफिर कहां थे। इस अंतु बिल्कुवत अल-कुस्वा जब तुम करीब के नाके पर, करीब के नाके से मरा कि जब तुम निकले थे मदीने से और रास्ता रोकने के लिए उस जाती काफिले का, तो तुम करीब के नाके पर थे। वहुम बिल्कुवत अल-कुस्वा और काफिर वहीद के नाके पर। वो वहीद के नाके से मुराद क्या है? वहीद के नाके से मुराद यह है कि तिजारती लश्कर जो है वो दूरी से निकल गए। वर्रकु असलम इनकुम और काफिला तुमसे नीचे उतर गया। वलौ तवाहतुम अगर तुम करारदाद कर लेते लख्तलफतुम फिल मियाद तो वक्त मुय्यन में तकदीर और ताखीर हो जाती तो फिर नुकसान होता। वलाकिन लेकिन लियक्दी अल्लाह अमरन खुदा को जो मंजूर था वो काम होकर रहने वाला था। वकाना लियक्दी अल्लाह अमरन काना मफूला जो काम अल्लाह की जात लिख देती है वो होकर रहता है। लियहलिका मन हलाका मैयतन ताकि जो मरे वो भी बसीरत जानकर मरे। वा मन यहया और जो जिंदा रहे मन हया वो जिंदा रहे अल बैनते बसीरत पर, यानी उसे पता हो कि मैं शहीद की शहादत की मौत मरा हूं और ये भी पता हो कि मैं जो है वो कुफर की हालत में मरा हूं, उसको भी ये पता हो। वा इन अल्लाह अला समी अलीम और कुछ शक नहीं खुदा सुनता जानता है। इज यूरीकुमुल्लाह फी मनामी और उस वक्त को याद करो जब कुफार को तुम्हारी नींद में थोड़ा करके दिखाया। और यहाँ ये बात भी ध्यान में रखें कि जो नबी का ख्वाब होता है वो वही की वही का दर्जा होता है, लेकिन यहाँ मजमू तौर पर मुसलमानों के ख्वाब की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के साथ ताबीर की गई ताकि हौसला ना हारे। वलौ अराका हुम कसीरन अगर ज्यादा करके तुम्हें दिखाता ना फशिर तुम बुजदिल हो जाते, तुम जी छोड़ देते। बला तनाजा तुम और तुम झगड़ने लगते फिर अमरे उस मामले में उस काम में। वला इन अल्लाह सल्लम लेकिन अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। कैसे बचा लिया? तुमको काम में थोड़ा दिखा के और तुम्हारी तादाद को थोड़ा दिखाया उनकी आंखों में ताकि वो भी ना बांधे और ये वाकया जो है वो नुमा होके रहे। इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर और खुदा दिलों की बातों को भी जानता है। वा इज़ युरीकुमुहुम इधर तकैतुम फी आयुनिहिम कलीलन वो बात तो पहले कर दी उसका तर्जुमा यह है उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हुए तो काफिरों को तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके दिखाया। वा युकल्लिलुकुम फी आयुनिहिम और उनको तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके दिखाया, तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाया। लियक्दी अल्लाहु अमरन काना मफूला ताकि जो खुदा को काम करना मंजूर था उसको कर डाले। और तमाम कामों का रजू अल्लाह की तरफ। अब इसकी एक्सरसाइज है और इसमें जो सवाल है वो है सबसे पहला सवाल ये सबक में माल गनीमत की तकसीम का हुक्म, तो वो आयत का तर्जमा के जान रखो कि जो माल गनीमत है उसका पांचवा हिस्सा अल्लाह उसके रसूल का, ये सारा तर्जमा इस सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर मुसलमान को कामयाबी के लिए किस किस खुसूसी इनाम का जिक्र किया, तो इसमें जिन जिन इनामात का जिक्र हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस अल्फाज के साथ मुसलमानों को थोड़ा करके उनकी निगाहों में और इनको उनकी निगाहों में, ये आयत आखिरी है तो इसमें पूरे का पूरा सवाल का जवाब आ जाता है, इसको आप इस जवाब में लिखेंगे। आगे रुकू नंबर पांच, रुकू नंबर पांच में रुकू नंबर ये पांच हो गया, आप रुकू नंबर चार रह गया वो करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ईमान वालों इन तत्तकुल्ला अगर तुम अल्लाह से डरोगे या जल्लाहु फुरकान तो वो तुम्हारे लिए अमरे फारिक पैदा कर दे। जैसे ही अल्लाह ने लिखा फुरकान अमरे फारिक तो या जल्लाहु फुरकान वो तुम्हारे लिए अमरे फारिक पैदा कर देगा व युकफिर अनहुम सय्यातुहुम और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। इस सूरत में जब तुम मुसलमान हो जाओगे जब तुम अल्लाह से डरोगे व यग़फिर लकुम और तुम्हें बख्श देगा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम और खुदा बड़े फज़ल वाला है। वाइल यमुरु बिकल लज़ीना कफ़रु और याद करो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त को जब काफ़िर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे। ये दारुल नरवा में जो कुफार बैठ के मीटिंग कर रहे थे मुशाहदा कर रहे थे मामला तय कर रहे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बारे में और उन मामला के बारे में जो इस्लाम के आने की वजह से मक्के में रूनुमा हुई उन अल्फाज की अक्कासी जो है वो इस आयत में हो रही है। क्या कर रहे थे मशवरा ले उस बिंदु का तुम्हें कैद करने ये किसके बारे में है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और यक्तुलू का या ना तो बेटा कत्ल कर दे जान से मार डाले और युखरिजू का या निकाल दे जिला वतन कर दे मक्का से। वयमकुरुना उधर चाल चल रहे थे वयमकुरुना और इधर अल्लाह तकदीर फरमा लफ्ज एक ही है लेकिन जब निस्बत कुफार की तरफ होगी तो तर्जमा होगा चाल चलना और जब अल्लाह की जात की तरफ होगी तो ये अल्फाज मुनासिब नहीं अल्लाह की जात के लिए तो इसलिए के लिए लफ्ज क्या है तदबीर फरमा वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है। वाइदा तुला अलैहिम आयातुना जब उन कुफार पर हमारी आयतें पढ़ी जाती काल तक कहते कद सबीना हमने सुन लिया वलौ नशाउ और अगर हम चाहते लकुन्ना मिस्ला तो हम भी इसकी तरह कह सकते। कुफार जब कुरान मजीद की आयात को सुनते तो वो ताजुब में मुब्तला नहीं होते वो कहते हैं किससे कारण वो एक बहुत बड़ा ताजिब था वो दूर से जो मुख्तलिफ किस्से कहानियों की किताबें लेके आया और जब कुरान पाक की तिलावत होती तो वो लोगों को बैठ लेकर बैठ जाता लेकिन ना उनके अल्फाज में वजन होता ना उनके वाक्यात में वजन होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो एजाज कुरान मजीद को बख्शा है वो और किसी किताब को मुयस्सर नहीं तो वो क्या कहते हैं इनकार इन हाजा इल्ला असातीर अवलीन ये तो पहले लोगों की किस्से कहानी व इस कालो नमा जब उन्होंने कहा कुफार ने अल्लाह इन कान हाजा हुवल हक अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है मेरे इंतिका तेरी तरफ से फम तेरा अलैना हम पर आसमान से बारिश क्योंकि उनके सामने वो वाकयात सारे थे कौमों के जो नाफरमानी करती थी उन पर अजाब आ जाता तो इनमें सबसे जो नुमाया शख्सियत थी उनमें अबू जहल था नजर बिन हारिस था जो ये कलमात कहता कि अगर ये आसमान से तेरी तरफ से बरहक है कुरान तो हम पर आसमान से बारिश कर अवे तना बे अजाब अलीम या कोई और दर्दनाक अजाब दे दे वमा बान अल्लाह लियुअज्जिबहुम अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि तुम्हें अजाब क्यों नहीं आएगा उसकी दो वजूहात एक ये कि वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल्लिलआलमीन कि हमने अपने नबी को सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है और जहां रहमत हो वहां ज़हमत नहीं आती वमा कान अल्लाह लियुअज्जिबहुम व अंत फीहिम अल्लाह को ये नहीं है अल्लाह ऐसा ना था कि उन्हें अजाब देता कि आप उसमें मौजूद हैं वमा कान अल्लाह मुअज्जिबहुम व हुम यस्तग़फिरून और ना ही ऐसा था कि वो बख्शिश मांगे अपने अल्लाह उनमें मोमिन भी मौजूद है और उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी मौजूद है वमा लहुम अल्लाह युअज्जिबहुम और अब उनके लिए कौन सी वजह ऐसी थी कि उन्हें अजाब ना दिया जाता कुफार की तो सारी मामला खराब थे उनके तो काम ही सारे खराब थे क्या क्या थे वो यहाँ जिक्र हो गए और यसुद्दूना वो रोकते थे अनिल मस्जिद हराम मस्जिद हराम से मुराद मस्जिद वो मस्जिद जो खाना काबा के साथ है हराम से मुराद मोहतरम मस्जिद पावा कान औलिया और उसके मतबल्ली भी नहीं इन औलिया तक उसके मतबल्ली मतबल्ली का माना ख्याल करने वाला हिफाजत करने वाला उसके मतबल्ली तो सिर्फ परहेजगार होंगे वला इन अक्सर हम ना यालमून लेकिन अक्सर उनमें से नहीं था वमा काना सलातुहुम इंदल बैत और उनकी नमाजें जो खाना काबा के करीब पढ़ते थे वो किस किस्म की थी कुरान ने उनको भी बयान फरमाया वमा और नहीं काना सलातुहुम उनकी नमाजें इंदल बैत खाना काबा के नजदीक इल्ला मुकान मगर वो क्या कहते थे सीटियां बजाते थे मुकान का माना सीटियां बजाना व तस्तियतन और तालियां बजाना फज़ूकुल अज़ाब बस अब अज़ाब का मज़ा चखो बेमा कानतुम तकफुरून जो तुम कुफर करते इन्नल्लज़ीना कफरू युन्फिकूना और जो काफिर लोग हैं वो अपना माल खर्च करते हैं किसके लिए अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह ताकि वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें
फासयुनफिकूनहा, तो वो और सो अभी और खर्च करेंगे। ये और जो खर्च करना है ये आने वाले जमाने के लिए था, और आज भी जो कुफार हैं उनका बजट जो है, उनके मंसूबे जो है, जो उनका माल है, वो इस्लाम के खिलाफ खर्च होता है। फिर ये खर्च किया हुआ माल उनके लिए मुजबे अफसोस बन जाएगा। मुजब का माना वजह। सुम्मा युगलबून, फिर वो मगलूब हो जाएंगे। एक तो वक्त जो कुर्बे क़यामत की निशानियों में है कि हर तरफ इस्लाम इस्लाम होगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और दीगर निशानियां जाहिर होंगी, तो इस्लाम ने एक बार फिर गालिब आना है। वल्लज़ीना काफ़रू इला जहन्नम युहशरून, और जो काफिर हैं वो दोज़ख की तरफ हांके जाएंगे। ले यमीज़ अल्लाहु अल-ख़बीसा मिनत तय्यिब, ताकि अल्लाह नापाक को पाक से अलग कर दे। ख़बीसा का माना पाक, नापाक, और तय्यिब का माना पाक। वयजअलु अल-ख़बीसा बादहु अला बाद, और जो नापाक है उसको एक दूसरे पर रखकर उसका एक ढेर बना दे, जमीन तमाम के तमाम का। फयजअलु फी जहन्नम, उसको जहन्नम में डाल दे। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, यही लोग खसारा पाने वाले। युस्बितु, ये अल्फाज़ानी है, आगे सवाल है। इस सबक में तकवा के क्या क्या इनाम बयान हुए हैं। पहली आयत का तर्जुमा लिखेंगे कि जो बंदा अल्लाह से डरता है उसके लिए अम्र फारिक अल्लाह पैदा कर देगा, उसके गुनाह माफ कर देगा, उसको बख्श देगा। किस वाक्य की तरफ इशारा है वो मैंने बता दिया, वो 9th क्लास की उर्दू के सिलेबस में पहले सबक में भी आपने वो वाक्य पढ़ा कि कुफार बैठ के दारुल नदवा के अंदर जो मशवरा कर रहे थे। इस वाक्य की तरफ, हिजरत से पहले जो मुहर्रिकात थे हिजरत के, उस वाक्य की तरफ इशारा है। कुफार के मुकाबले के बावजूद अज़ाब क्यों नाज़िल नहीं हुआ, उसकी दो वजूहात बयान की कि एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद थे, और दूसरा कि उनमें बख्शिश मांगने वाले। हमारे सिलेबस का जो छठा जो है वो आप पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीन आमनु मोमिनो इज़ा लकीतुम फ़ियतन, जब किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो, फ़सबुदू, तो साबित कदम रहो। ये अंदाज सिखाए जा रहे हैं, ये अमल सिखाया जा रहा है मुसलमान को कि कुफार के साथ कैसे लड़ना है, जिसकी तर्जमानी कलंदर लाहौरी फरमाते हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। क्योंकि मुसलमान की शान यह है कि जब काफिर के साथ मुकाबला हो तो फिर वो नहीं सोचता, क्योंकि उसे पता है कि इससे अगली मंजिल शहादत की है। तो क्या करो, फसबुतु, साबित कदम रहो, वस्कुरुल्लाह, और अल्लाह का जिक्र करो, कसीरन, कसरत के साथ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो। अतीउल्लाह व रसूलहु, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़ऊ, और झगड़ा न करो, फतफशलु, तो तुम बुज़दिल हो जाओगे अगर झगड़ा करोगे, वतज़हबा रीहुकुम, और तुम्हारा इकबाल जाता रहेगा, इकबाल से मुराद तुम्हारा रूह दबदबा खत्म हो जाए। वस्बिरु, वस्बिरु, और सबर करो, इन्नल्लाह मा सबिरीन, खुदा सबर करने वालों के साथ। ये बताया जा रहा है कि अंदाज मुसलमान का क्या होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए वला तुकुनुकल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन, और उन लोगों जैसे ना हो जाना जो इतराते हुए हक का मुकाबला करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकले, बतरन इतराते हुए, बरियाल नास, और लोगों को दिखाते हुए, वही सुदूना सबीलिल्लाह, और अल्लाह को रास्ते से रोकते हैं, वल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीत, और जो तुम काम करते हो अल्लाह ने वो इहाता किए हुए। आगे बात हो रही शैतान की, क्योंकि शैतान इंसान को बुरे अमाल को उकसाता है, वही इंसान के दिल में बुराई को बड़ा खूबसूरत करके पेश करता है, लेकिन जब बंदा गुनाह कर लेता है फिर पता चलता है कि मैंने कत्ल कर दिया, मैंने ये चोरी कर ली, मैंने ये बुरा काम कर लिया, फिर बंदे को बाद में एहसास होता है। और जब शैतान ने उनके अमाल को आरास्ता करके दिखाया, खूबसूरत बनाया, से कहा कि आज के दिन तुम पर गालिब कोई नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे पास 1,000 की तादाद फौज की है, वही नहीं जान रहा तुम, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फलम्मा तरातिल फियतान, और जब दोनों फौजें एक दूसरे के सामने सफ आरा हुई, मद्दे मुकाबिल हुई, नाकासा अला आती भाई, इस्पा होकर पीछे चल पड़ा, उल्टे पांव पीछे चल गया, और क्या कहने लगा, इन्नी बरी हूं, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, क्योंकि इन्नी अरा मा ला तरऊन, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। ये कौन कह रहा है, शैतान कह रहा है, किनको कह रहा है, कुफार को कह रहा है, इन्नी अखाफुल्लाह, और ये भी कह रहा है कि मुझे अल्लाह से डर लगता है, वल्लाहु शदीदु निकाम, खुदा सख्त अज़ाब देने वाला है। अब इसकी एक्सरसाइज में जो अल्फाज पानी है वो आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। दो सवाल है, पहला सवाल यह है कि कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से
काम करने और किन काम से बचने का हुक्म दिया। ये आप लोगों के साबित कदम रहे, हिम्मत हौसला नहीं हारना, अल्लाह का कसरत से जिक्र करना है, और जो काम नहीं करते वो भी बताया गया कि आपस में झगड़ा नहीं करना, इससे क्या होगा वो वजह भी बयान कर दी। और गज़वा बदर में मुसलमानों की नुसरत के लिए नाज़िल होने वाले फरिश्तों को देखकर शैतान का रद्देअमल क्या था, वो भी ये है कि जब शैतान दोनों फौजें आमने सामने हुई तो फिर क्या हुआ, वो सरफरा हुई तो पिसपा होकर चल दिया, वो कहने लगा कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख सकते। अब यह हमारा सीखा सिलेबस खत्म हो गया। अब आगे है अहादीस। अहादीस हमारे पास पांच ये लिखी हुई है, इनमें मकसद ये है कि मैं सबसे पहले आपको अहादीस हदीस की जबान, हदीस का लफ्ज़ी माना है गुफ्तगु, और ये वो गुफ्तगु है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हदीस कौन सी गुफ्तगु है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और इसकी तारीफ क्या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल और तकरीर को हदीस कहते हैं। कौल से मुराद बात, फेल से मुराद बात, और तकरीर नया लफ्ज है आपके लिए। ये लिखा ऐसे जाता है जैसे तकरीर ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपके सामने कोई काम हो रहा हो और आपने उसको देखकर मना नहीं फरमाया तो इसको भी हदीस का दर्जा दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, कौल से मुराद बात, और फेल, फेल से मुराद काम और तकरीर, ये हदीस की तारीफ है। और सबसे पहले सिलेबस की हदीस ये है कि अफजलुल आमाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो अफजल दुआए अल इस्तिगफार, और बेहतरीन दुआ इस्तिगफार है। पहली दो, इसके दो हिस्से हैं हदीस के। पहला हिस्सा तौहीद पे कि अफजल आमाल, आमाल में सबसे बुनियादी और फजीलत वाला जो अमल है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक जुज है जिसको मुकम्मल करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको कलिमा तैयबा कहते हैं। कलिमा तैयबा की फजीलत यह है कि हदीस पाक में आता है मन قال لا اله الا الله فقد دخل الجنه, जिसने सिद्दीक दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में दाखिल हो गया। कितना बड़ा फजीलत वाला अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का ऐलान है। ये असल में बुनियाद है ईमान की, ये असल में इंसान को उस किनारे पर ले जाता है जो किनारा जन्नत से मिलता है। गैर मुस्लिम है, जितना मर्जी सदका तो खैरात करे, जितना मर्जी कुरान पढ़ ले, नवाफिल पढ़ ले, उनका कोई अमल काबिले कबूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कलिमा नहीं पढ़ा। उन पर एक चीज फर्ज है, उन पर अभी अमान फर्ज नहीं है, उन पर एक चीज फर्ज है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करें। और उसके बाद अगला जो जुज है वो है इस्तिगफार का माने बख्शिश मांगना। बख्शिश मांगना क्योंकि जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए फिर बातकादा बशरियत इंसान की जो जबिलत में फितरत में शामिल है कि वो गुनाह भी कर सकता है, तो इसके लिए अगर गुनाह न मिले तो इस्तिगफार उसके लिए बेहतरीन अमल है अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए। और ये भी हदीस पाक में है कि जिसने अपने गुनाहों की माफी मांगी वो ऐसी है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। और ये भी है कुरान मजीद में कि जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाता है। तो ये पहली हदीस जिसमें सबसे बड़ा ज्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ अल इस्तिगफार है। इन दो हिस्सों के मुताबिक जो बहस की गई है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें। दूसरी जो है हदीस तालाबुल इल्म में फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, ये इल्म की फजीलत के बारे में है, इल्म की फर्जियत के बारे में भी है। इल्म दीन इस्लाम में बहुत बड़ी बड़ा मुकाम रखता है क्योंकि इल्म ही की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहि सलाम को शर्फ बख्शा। फरिश्तों ने सजदा किया किसमें ना पे, क्योंकि वो नायब अल्लाह के नायब बनाए गए और अल्लाह ने कुछ नाम कुरान मजीद में जब वो वाक्या पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है अल्लाह ने कुछ चीजों के नाम सिखाए आदम को और फिर फरिश्तों को कहा कि आप बताओ, फरिश्ते चुप थे। जब आदम अलैहि सलाम से पूछा गया तो आदम अलैहि सलाम ने उन नामों को बताया जिससे पता चला कि फजीलत जो है वो इल्म की वजह से तालबुल इल्म। अब ये है कि इल्म की तलब हर मुसलमान पर फर्ज है, इससे मुराद कौन सा इल्म है? इससे मुराद है जरूरी बुनियादी अकायद का इल्म, बुनियादी जरूरियात जिंदगी का इल्म जो हर मुसलमान पर फर्ज है, नमाज के बारे में बुनियादी, तहारत के बारे में। और ये इल्म की बुनियाद जो है तालबुल इल्म में फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम,
मिसाल के तौर पर हम मुसलमान हैं, बहसीयत मुसलमान पांच नमाजें फर्ज है, उन पांच नमाजों में जो वुजू है वो लाजमी है। एक मुसलमान है, आकिल बालिग है, उसको गुस्ल जो है उसकी बुनियादी जरूरत है, हर जो इंसान है उसको इसकी जरूरत होती है। तो यहां इस सनद की फजीलत में मैं ये साथ अर्ज करता चलूं कि वुजू के फराइज हैं चार। ये इलम की बात हो रही है ना, इलम कितनी फजीलत रखता है, और इलम अगर ना हो तो बंदा अल्लाह की रहमत से कितना दूर चला जाता है। अगर हमें यह नहीं पता कि हमारे पास जो है वो हमें वुजू के कितने फराइज हैं, तो हमारी कोई इबादत की काबिल कबूल नहीं होगी। तो वुजू के फराइज कितने? चार। नंबर एक, हाथों का धोना कोहनियों समेत। नंबर दो, चेहरे का धोना, उसकी हाथ की मुकर्रर है, पेशानी के बालों से लेकर टीपी के नीचे तक, कान की एक लौ से लेकर दूसरी कान की लौ तक। और तीसरा है कि थाई सर का मसा करना, और चौथा है पांवों का टखनों समेत धोना। अब इलम की बात आ गई, अगर हमें इलम नहीं है तो क्या हमारी कोई इबादत काबिल कबूल होगी? नहीं होगी। अगर हमें बुनियादी जरूरियात का इलम नहीं है, इसलिए फरमाया गया तालब इल्म में फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, इलम की तलब हर मुसलमान पर फर्ज है। मस्जिद नबी में दो मदरसे हो रही थी, एक अल्लाह का जिक्र बयान हो रहा था और दूसरे में कोई मसाइल की बात हो रही थी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने दोनों मदरसों को देखा, और जहां इलम की बात हो रही थी वहां बैठ गए, और बाद में फरमाया दोनों मदरसे ही बरकत वाली है लेकिन इलम वाली मदरसे ज्यादा अच्छी है। तो इससे पता चलता है कि इलम की इस्लाम में बहुत ज्यादा अहमियत है। तीसरी जो हमारी हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमहु कुरान व अल्लमहु, ये कुरान मजीद की तालीम के मुताबिक है, क्योंकि कुरान ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजदा है कि जो मौजदा इंसान को बरकत भी देता है, नेकियां भी देता है, और जिंदगी गुजारने का तरीका भी बताता है। क्योंकि कुरान के अंदर रब्बुल इज्जत ने सारी चीजों का आइटम, चाहे वो मुआशरती हो, दुनियावी हो, उखरवी हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कुरान में ना हो। जरूरत इस अमल की है कि हम उसको पढ़ें, उस पर अमल करें। तो खैर को तुम में से बेहतर वो है मन ताल्लम कुरान, जिसने कुरान सीखा व अल्लमहु, और उसको सिखाया, जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। तो बेहतरीन अमल यह है कि अपनी जिंदगी में कुरान मजीद की तालीमात को लाजमी पढ़ें। हम बरकत के लिए तो पढ़ लेते हैं, लेकिन सीखने और सिखाने का असल मकसद क्या है, उस पर अमल पैदा हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की भी तौफीक दे। चौथी जो हदीस है, मन सल्ला अलैहि व सल्लम फतहल्लाहु लहु बाबन मिन अल-अफ़। मन जिस शख्स ने सल्ला एक मरतबा दुरूद पढ़ा, अलैहि व सल्लम एक मरतबा दुरूद पढ़ा, फतह खोल दिया अल्लाह ने लहु उस शख्स के लिए बाबन दरवाजा मिन अल-अफ़ियत भलाई का। इस शख्स ने एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अलैहि व सल्लम मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा, यह हदीस पाक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं जिस मेरे उम्मती ने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए भलाई का दरवाजा खोल देते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना छोटा सा अमल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप जात पर दुरूद व सलाम भेजे, तो इस एक चंद कलिमात पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के लिए भलाई का दरवाजा खोल देता है। फिर सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो। तो ये ऐसा अमल है, बाकी इबादात अलग है, उनका सवाब अलग है। नमाज है, अल्लाह की रात नहीं पढ़ती, फरिश्ते नहीं पढ़ते, रोजा हज ज़कात बाकी सारे अमल अलग है, लेकिन जब दुरूद पाक की बारी आई तो फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु, बेशक अल्लाह भी दुरूद सलाम पढ़ता है, उसके फरिश्ते भी पढ़ते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी दुरूद पाक पढ़ो। तो इसकी जो तशरीह लिखी है यहां वो आप लोग गौर से पढ़ेंगे। आखिरी हदीस जो हमारे सिलेबस की है, ला यूमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं है, हत्ता यकूना हवाहु, यहां तक कि उसकी ख्वाहिशात, हवा से मुराद जो दिल के अंदर पैदा होने वाले ख्यालात हैं, जो हमारी नजरियात हैं, जो हमारी सोच है, ताकि मुताबिक हो लिवाजे को मिली जो मैं लेके आया। तो इस हदीस में जो बयान हो रहा है, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब उसकी ख्वाहिशात उसके मुताबिक ना हो, उस तालीमात के मुताबिक ना हो जो मैं लेके आया। तो इंसान दिल के अंदर फितरी तौर पर कई जज्बे हैं, अच्छाई का भी है, बुराई का भी है, लेकिन जब मुसलमान सोचता है कि मैं ये काम करूं या ये ना करूं, तो फिर उसके सामने आता है कि मैं कौन हूं, मैं मुसलमान हूं।
मेरा कॉल क्या है, मेरा फेल क्या है, मेरा सारी चीजें जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते हैं। तो अब यहां ये बात आती है कि उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात है मुसलमान और वो हराम की तरफ जाए, वो ऐसे अमाल की तरफ जाए कि जिस अमाल की बिना पर वो मुसलमान नजर ना आए, तो ऐसा इस मान में वो मुसलमान मोमिन नहीं होगा। तो इसलिए फरमाया तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि उसकी ख्वाहिशात उसके ताबे ना हो जो मैं लेके आया। इससे मुराद यह है कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। तो ये पांच हमारे सिलेबस के अहदीस थी, इन पर हमने मुफसल इसका तर्जुमा और तशरीह की। तो अगर इन असबाब के मुतालिक आपको कोई सवाल करना हो या कोई कमी रह गई हो उसको आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।